मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां लिव इन पार्टनर ने पहले तो गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और फिर डेड बॉडी को बेड बॉक्स में छिपा दिया। नाला सोपारी इलाके में दोनों लिव इन पार्टनर एक किराए के घर में रहते थे। यही नहीं, रेंट एग्रीमेंट में दोनों ने खुद को शादीशुदा कपल बताया, यानी कि झूठ बोला। हार्दिक शाह, जिसकी उम्र 30 साल है, इसे मध्य प्रदेश के नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास से मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को हार्दिक को नाला सोपारा लाया गया। पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। उसे वसई की कोर्ट में पेश किया जाएगा। हार्दिक पर उसकी लिव इन पार्टनर मेघा तोर की किराए के फ्लैट में गला घोंट कर हत्या करने का आरोप है। घटना का पता उस वक्त चला जब रियल एस्टेट एजेंट संजीव ठाकुर ने पुलिस को कांटेक्ट किया। सोमवार को कर्नाटक से मेघा की चाची ने उनको फोन किया। उन्होंने ठाकुर को बताया कि हार्दिक ने फोन पर मेघा की हत्या करने का दावा किया और खुद भी सुसाइड करने की धमकी दी। जब रियल एस्टेट एजेंट ठाकुर फ्लैट पर पहुंचे तो यहां पर ताला लगा हुआ था। हार्दिक का मोबाइल भी नॉट रीचेबल था। इसके साथ ही फ्लैट से अजीब तरह की दुर्गंध यानी स्मेल आ रही थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट का दरवाजा जैसे ही तोड़ा गया तो घर के अंदर से फर्नीचर गायब था। दुर्गंध आने पर पुलिस बेडरूम तक पहुंची। इसके बाद जब बेड को खोला गया तो अंदर मेघा की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी पर गला घोटकर मारने के निशान थे। संजीव ठाकुर ने पुलिस को बताया कि कपल ने 20 दिन पहले ही किराए पर घर लिया था। दोनों ने यह कहा था कि वे शादीशुदा कपल हैं। मेरा रूट का निवासी हार्दिक बेरोजगार था, जबकि मेघा एक नर्स का काम करती थी। हार्दिक ने पूछताछ में पुलिस को यह बताया कि पैसों को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा हो जाता था और इसी वजह से उसने मेघा की हत्या कर दी। संजीव ठाकुर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने हार्दिक के बारे में छानबीन शुरू कर दी तो ये पता चला कि वो पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से कहीं जा रहा है। इसके बाद तमाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों का जाल बिछा दिया गया और फिर आखिरकार नागदा रेलवे स्टेशन पर हार्दिक को दबोच लिया गया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस कस्टडी में है। ऐसी ही तमाम जानकारी और न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए नव भारत टाइम्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।